Welcome back स्टूडेंट टू द 11th लेक्चर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th केमिस्ट्री। फाइनली अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। इससे पहले मैंने जो सॉल्ट्स क्या है उसकी इंट्रोडक्शन और टाइप्स एक लेक्चर में, और उसके जस्ट बाद मैंने उसके प्रिपरेशन मेथड बता दिया है पिछले लेक्चर में। आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं सब वीडियो। पहले अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट पे। इस सॉल्ट से क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जी हाँ उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से एसिड्स एंड बेसिस का देखे थे। पहला इसमें प्रॉपर्टीज आता है वो फिर से मैं उसी के हिसाब से बात करूँगा कि नेचर क्या है इसका, मतलब टेस्ट क्या है। देखिए इसका टेस्ट जो है वो सॉल्टी है। अब क्या नाम से पता चला सॉल्ट है तो सॉल्टी इन टेस्ट। सॉल्ट आप जरूर अनुभव किए हुए कि कैसा टेस्ट होता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम टेस्ट कर सकते हैं इसको, अपने जीभ से टेस्ट कर सकते हैं। इसका जवाब वैसा ही है जैसा मैंने मेरा एसिड और बेस के लिए था, नो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ एसिड भी होते हैं जिनको आप खा सकते हैं, उसे कुछ नहीं होता है। एग्जांपल के लिए लेमन जूस में जो एसिड है साइट्रिक एसिड, वो आपके लिए कोई फायदा नहीं करता है कुछ खास, अगर कम अमाउंट में लिया जाए तो वो एडिबल है। ठीक है, बहुत वीक एसिड है तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यही आप HCl का सोचिए, मैं बोल रहा हूँ लेने का तो नहीं, सोचिए तो उस कंडीशन में अगर आप जानते हैं रियलमी एसिड क्या कोरोसिव नेचर, तो आप अच्छे से सोचेंगे भी। तो वही बात सॉल्ट के लिए भी, आप जानते हैं कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल तो हो ही सकता है, एसिडिक और बेसिक भी, तो इसीलिए टेस्ट करना नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि सॉल्ट जो है वो लिटमस का कलर बदल सकता है या नहीं, इसका भी जवाब डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल साइड जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट ही बोले थे तो वो तो नहीं बदलेगा। लिटमस न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट डू नॉट चेंजेस कलर ऑफ लिटमस पेपर। और अगर एसिडिक और बेसिक हो, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट आप एसिड और बेस के एक तरह से कंसिडर कर लीजिए, किस तरह से कन्वर्सन होगा वो आपको पता ही है। डू नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, कुछ नहीं करता है। ठीक, यानी न्यूट्रल, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक। चलिए बढ़ते थर्ड की तरफ। थर्ड इसका सिंपल प्रॉपर्टी है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कोई चीज़ कब करता है, जब आयन मिल जाता है। ठीक है, यानी चार्ज एटम मिल जाता है। तो इस कंडीशन में जैसे NaCl है, जो हमारे डेली लाइफ में नमक जो यूज होता है वो भी NaCl है, तो इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, वाटर के साथ मिलाएंगे इसको, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो आप आराम से देखते हैं Na प्लस और Cl माइनस क्या हो रहा है, Cl माइनस रिलीज हो रहा है। ठीक, उसके साथ भी और कुछ रिलीज होगा, जैसे H2 गैस होगा, Cl2 होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं आयंस, ये जहाँ आयंस निकल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और वो सब भी, ठीक है, सॉल्ट कोई भी हो, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या कॉम्प्लेक्स, सब में चूंकि आयंस आ जाता है, तो इसीलिए सारे सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में, मैक्सिमम सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आयंस होगा, जो आयंस फॉर्म होगा, एक्वस सॉल्ट या सॉल्ट इन एक्वस मीडियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, अब बात आती है रिएक्शन विथ मेटल्स की, कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है क्या। तो यस, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन आप प्रोवाइड दे रहे हैं तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन को आप जानते भी हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप पिछले चैप्टर से भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ के आए हैं तो आपको ये पता ही है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट का, ओके कॉपर सल्फेट का है, आप गेस कर सकते हैं क्या कि ये कब सॉल्ट फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, आई होप कि आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर, अब मैंने बताया हुआ कि यहाँ सल्फेट है जैसे, तो ये कोई एसिड से, सेकंड वाला पार्ट एसिड से, तो अच्छा अभी तक आप जानते हैं H2SO4। मैंने क्या बोला आपको, तीन सॉल्ट, तीन एसिड मेन से ध्यान रखना है, कौन कौन, HCl। ठीक है, यहाँ पे जहाँ HCl है तो आप मैक्सिमम चांस होगा कि HCl होगा। ठीक है, जहाँ पे NO3 आ गया, मतलब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और थर्ड मैंने बोला था H2SO4। ठीक है, सल्फेट, तो ये H2SO4 से, और ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट किया होगा तो क्या बना होगा, चांस बनता है कि कॉपर सल्फेट और वाटर बन गया होगा न्यूट्रलाइजेशन से। ये कॉपर सल्फेट तो एक सॉल्ट है, सॉल्ट का जब हम मेटल से, मान लीजिए कि हम आयरन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो आयरन से रिएक्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर। और ये जो है एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़े होंगे, मतलब पिछले जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है वहाँ भी पढ़े होंगे, और इसको हम लोग मेटल नॉन मेटल में भी गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी तो बस इतना ही है कि ये हाइयर रिएक्टिव लोअर रिएक्टिव को
उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्ट करते हैं एंड डिस्प्लेसेस लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उसको वो सॉल्ट सॉल्यूशन में आता है और उसके जगह पे वो मेटल चलता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है एसिड के साथ रिएक्शन। जैसे कि मेटल और मेटल में पढ़े थे, हम लोग उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे वो सब पढ़ गए हैं। तो रिएक्शन विथ एसिड, यस एसिड के साथ भी वो रिएक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे NaCl का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेसिक है। अब ये NaCl, ओके, जब हम लोग इसको H2SO4 मान लीजिए एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं। आप यहाँ पे ये देखे हुए हैं इससे पहले भी, इस कंडीशन में दो केस बन सकता है, या तो ये अगर पूरी तरह से हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है, तो आपको सोडियम का सल्फेट मिलेगा, ठीक, और उसके साथ साथ ये अगर नहीं देता है तो क्या बनेगा, NaHSO4। हम इसको किस नाम से जाते हैं, जी हाँ ठीक बोले आप, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एकदम नाम क्लियर है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इसके साथ अब क्या बनेगा, देखिए ये और ये पार्ट ले लिया तो ये H और Cl बन गया, तो HCl। ये एक प्रिपरेशन मेथड भी है एसिड का, ठीक है, कि एक जो नमक है उसको आप किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो आपको दूसरा एसिड मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है एसिड बनाने का, उसी तरह से बेस का भी बनाने का एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं। दूसरा चीज़ मान लीजिए कि हमारे पास यही अगर कंप्लीट हो, ये क्या था, पार्शियल डिसोसिएशन, और अगर कंप्लीट हो तो कंप्लीट होगा तो H2SO4 में जो दोनों हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देगा Na, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2SO4। तो यस विथ एसिड ऑल्सो सॉल्ट्स रिएक्ट्स, तो सॉल्ट्स रिएक्ट्स विथ एसिड क्या चीज़ बनता है, जिससे एसिड टू फॉर्म अनदर सॉल्ट एंड एसिड, जैसे कि कोई दूसरा सॉल्ट, जैसे आप देख सकते हैं दूसरा सॉल्ट और उसके साथ साथ एक दूसरा एसिड हो जाता है, तो हम अनदर सॉल्ट एंड एसिड, ओके। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये दोनों पार्शियल और कंप्लीट पे तो हुआ ही है, लेकिन पार्शियल और कंप्लीट का एक रीजन आप टेम्परेचर भी दे सकते हैं। जब लो टेम्परेचर पे किया जाता है तो इसका प्रोडक्ट डिसोसिएशन नहीं होता है और ये बनता है, ये लो टेम्परेचर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर का। आपको सब में ध्यान नहीं देखना है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का क्या होगा, ठीक है, जो जो आपको मेन बताया जा रहा है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक। चलिए फाइनली हम लोग बढ़ते हैं किसके साथ, कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या सॉल्ट, तो इसका भी जो जवाब है, ठीक है, बेस के साथ वो वाला सॉल्ट ज़्यादा रिएक्ट करेगा जिसके पास क्या हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है, या मेटलिक ग्रुप हो कोई, तो यस बेस के साथ भी रिएक्ट करता है बहुत सारे सॉल्ट्स रिएक्शन विथ बेस, इसे रिएक्ट करता है बेस के साथ। और आप ये पहले भी पढ़े हुए हैं, जिससे बनता क्या है, तो जिससे कोई दूसरा सॉल्ट बनता है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताया हुआ कि मैग्नीशियम सल्फेट है, और ये अगेन मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ से बना है, आप आराम से देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब मैं NaOH से रिएक्ट करा दूँ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, MgOH, यानी MgOH होल ट्वाइस जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी दूसरा एक बेस और उसके साथ सॉल्ट बन जाएगा, जैसे एसिड में बना है, एक दूसरा एसिड और सॉल्ट बना है ना, तो इसमें भी यही होगा, क्या बन जाएगा, ये आपको बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस बन गया दूसरा, ठीक है, और साथ में एक सॉल्ट Na2SO4, ओके। अभी आप ले सकते हैं, मैंने अमोनिया से रिलेटेड एग्जांपल ही दिया, तो अमोनियम सल्फेट, ठीक, अगेन आप ये गेस कीजिए, तो ये किससे बना होगा ये सॉल्ट, तो यस आप फिर से गेस कर सकते हैं, यहाँ तो सल्फेट है तो ये हो सकता है H2SO4 का हो, ठीक है, इसके पेरेंट्स, और ये अमोनिया है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, आप एक बिल्कुल सही हैं, यही दोनों से ये बना होगा, ठीक है, आप एक गेस कर सकते हैं। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, आप देखिए Na, इसको अगर आप डिपेंड करता है कि पूरी तरह से रिप्लेस कर पाए या नहीं, ठीक है, अभी हम सिंपली लिखते हैं, अगर रिप्लेस कर लेता है तो बनाएगा, अगर पूरी तरह से तो ये बन जाएगा Na2, यह चला जाएगा सोडियम का सल्फेट, और उसके साथ साथ क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका अपना बेस मिल सकता है, जिस बेस से बना था उससे बेस मिल सकता है, तो यस सॉल्ट्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अनदर सॉल्ट एंड बेस, सॉल्ट्स रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस टू फॉर्म
another salt and base. एसिड के साथ करता है तो another salt और एसिड, बेस के साथ करता है तो another salt and base. सिंपल है एंड बेस. फाइनली एक और बेसिक रिएक्शन देखते हैं. ठीक है, लास्ट जो रिएक्शन होगा वो होगा कि वाटर के साथ इसका क्या रिएक्शन है. ठीक है, एसिड का देखे थे कि एच प्लस निकालता है, बेसिस ओ एच माइनस निकालता है, तो सॉल्ट इसके प्रति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये दिखाता है अपना रिएक्शन. तो हम लोग फाइनली अब पढ़ेंगे क्या चीज़, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ. अब देखिए इसके लिए आपको फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि तीन टाइप का है मेनली. हम लोग डबल सॉल्ट का बात नहीं कर रहे, डबल सॉल्ट मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था. कौन कौन है वो? वो एक है नॉर्मल सॉल्ट जो न्यूट्रल होता है, एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट्स जिनका नेचर एसिडिक होता है. और ये बनते कैसे हैं? तो एसिडिक नेचर है सॉल्ट का, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो एसिड होगा, इसलिए उसका नेचर आ गया है. या हो सकते हैं बेसिक सॉल्ट भी हो सकते हैं. ठीक, ये तीन तरह का. अब मैं ये तीन यहाँ पे क्यों कर दिया, ऊपर तो मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे वाटर के प्रति जो रिएक्शन है वो तीनों के लिए अलग अलग है. जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉर नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल सॉल्ट के लिए, तो नॉर्मल सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड किससे बना है, तो आप जानते हैं NaOH और HCl, इन दोनों से बना है. तो ये एक न्यूट्रल साल्ट है. ठीक है, न्यूट्रल साल्ट है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है वाटर के प्रति. ठीक है, अगर बात करें K2SO4 की या Na2SO4 की, ये किससे बना है, आप जानते हैं KOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है. ये सब है क्या, ये सब एक न्यूट्रल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है. कब बनता है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब. अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप 9th वीडियो रिफर कर सकते हैं, वहाँ मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट अच्छे से बताया हुआ है. मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तब. तो ये इनमें कोई प्रभाव नहीं होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट भी किया आते हैं तो ये क्या रहते हैं, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस. ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस कहने का क्या मतलब है, कि इनमें ना ही एच प्लस निकला ना ही OH माइनस, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस. तो इनमें कोई प्रभाव नहीं आता है, आप सिंपली वाटर मिला देंगे तो ये एक सॉल्यूशन बना देगा, और कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, दूसरा बात करते हैं किसका, दूसरा बात करते हैं कि एक सॉल्ट की जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाया होगा, यानी हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट की, एसिडिक सॉल्ट की, फोर एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट का क्या कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है, या आप डिटेल वहाँ देख सकते हैं कि उसके पास रिप्रेसिबल हाइड्रोजन एटम हो सकता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड होगा प्लस वीक बेस होगा, तभी ना. मैंने बार बार बताया हुआ कि अगर आप पीछे लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैंने बार बार बताया हुआ कि जो ये आप सॉल्ट को देखते हैं वो एज ए बेबी देखिए एसिड और बेस का. एसिड और बेस में जैसा गुण होगा वैसा ही आ जाएगा किसमें, सॉल्ट में. अब देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इस सॉल्ट का जो मदर या फादर मान लीजिए वो है स्ट्रॉन्ग वाला, जो स्ट्रॉन्ग है उसका गुण इसमें आएगा. तो इसलिए एसिडिक सॉल्ट किस लिए, क्योंकि है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसका जो एक पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन, एसिड, इसीलिए एसिड वाला गुण है. जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉल्ट बना हुआ है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट कौन होता है, तो एसिडिक पार्ट उसका मान लीजिए H2SO4 है कोई. ठीक है, और उसके साथ साथ वीक बेस मान लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. तो इसे बनेगा क्या, आपको पता है कि ये बनाएगा आपको वाटर और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. अब इस अगर अमोनियम सल्फेट को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इस केस में अगर अमोनियम सल्फेट इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो अब देखेंगे क्या चीज़, आपको एक रिएक्शन मिलेगा, इसका OH रिलीज होगा, इसका H+ रिलीज होगा, और ये इसके साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि एक बेस है. और उसके साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, आपको HCl भी मिलने वाला है. यानी हो क्या रहा है, देखिए वहाँ पे एसिड और बेस दोनों मिलके सल्फेट से बना हुआ था. ठीक है, तो हाइड्रोजन और सल्फेट H2SO4 बनने वाला, तो वहाँ पे एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे थे, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, एसिडिक बेसिक सॉल्ट होगा. देखिए जैसे मैंने HCl लिख दिया, तो चलिए वो चीज़ भी लिख लेता हूँ कि अगर अमोनियम क्लोराइड रहता यहीं किससे बनता, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से. ये भी क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, इससे अगर बनता है इसे वाटर कंबाइन कर देता है, ये क्या बनता है, अगेन अमोनियम और उसके बाद हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और ये क्या है, और उसके साथ साथ HCl. ऐसा केस जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करें तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक. ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक. और उस कंडीशन में एसिडिक में क्या होता है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एसिडिक सॉल्ट है तो वो क्या करेगा, तो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा. ठीक,
ओके चेंजेज ब्लू रिच मस्ट टू रेड। उसी तरह से आप गेस कर सकते हैं क्या होगा बेसिक सॉल्ट में, बेसिक सॉल्ट के केस में क्या होने वाला है। यस आपने सही गेस किया है कि उस केस में चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। किसी किसी के मन में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तो बेस भी फॉर्म हो गया तो एसिड का ही ये क्यों दिखा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड ज़्यादा डोमिनेंट होगा, बेस वाले को ओएच को सब खत्म करता जाएगा, फिर जो बचेगा तो एसीएल का ही ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो इसका ऐसे बनता है बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वीक एसिड होगा एसिटिक एसिड CH3COOH और इसके मैं NOH से रिएक्शन करा दूंगा तो ये बन जाएगा। अब इसको जगह अगर मैं वाटर में देता हूँ तो ये फिर से जिससे बना हुआ था ये, ठीक है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COOH और प्लस क्या NaOH। तो आप आराम से देख सकते हैं क्या चीज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एसिड और बेस बनाया, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है तो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकता है। तो ये हो जाएगा बेसिक सॉल्ट का नेचर। अगर मैं एक कार्बोनेट का आपको रिएक्शन दिखा दूँ, ठीक है, चूँकि कार्बोनेट भी कैसा होता है, कार्बोनेट भी एक बेसिक सॉल्ट है, किससे बना हुआ है तो कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस केस में भी अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एक मिल जाएगा NaOH, ठीक है, NaOH और कार्बोनिक एसिड, या कार्बोनिक एसिड अक्सर टूट जाता है कि इसमें CO2H2O। और इसको आप देख सकते हैं अपने हर एक कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में CO2 हुई, आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स को हिलाते हैं शेक करते हैं तो क्या होता है उसमें से कुछ निकल के बाहर की तरफ आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो CO2 ही वहाँ रहता है, ठीक है, वो ख़राब करने से बचाता है, उसको अच्छा ठंडा करके रखता है, तो वो सब चीज़, ठीक है। तो यही था क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट किस तरह का है, लिटमस का क्या प्रभाव है, टेस्ट में कैसा है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है, बेस के साथ कैसा रिएक्शन है, मेटल के साथ कैसा रिएक्शन है, ठीक है, वाटर के प्रति क्या इसका रिएक्शन आता है, तो इसी चीज़ को हम लोगों को पढ़ना था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस दिक्कत को जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग pH के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर से थोड़ा मोड़ा एसिड बेस को रिवाइज कर लेंगे वहीं पर pH पढ़ने के बाद। pH क्या है उसके लिए आप वहाँ आ सकते हैं, pH में P का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है, सब कुछ वहाँ पर होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।